नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे काफी दुखद खबर के साथ। बता दें आपको कि सीतापुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं मकान के बता दें कि शटरिंग रहने से मकान का छत भरभरा कर गिर गया और इस दौरान 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला खैराबाद थाना इलाके के 12 भागड़ी गांव का बताया जा रहा है और साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर रेस्क्यू में लगातार जुटे हुए हैं। और बता दें कि यहां पर मकान गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और बता दें कि सीतापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर निर्माणधीन मकान था जो कि इसका छत गिर गया और इसी को लेकर वहां पर तमाम लोग घायल हुए हैं। साथ ही बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दौरान ये जो मकान है उसका शटरिंग ढहने से मकान का छत भरभरा कर गिर गया। 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है और यह तस्वीर सीतापुर की, जहां पर लगातार बता दें कि ये मकान ढहने से यहां दर्दनाक हादसा हुआ है और निर्माणधीन मकान था जिसकी छत गिर गई और इस दौरान काफ़ी मजदूर जो हैं घायल बताए जा रहे हैं, उसमें से 2 मजदूरों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही बता दें आपको कि इस मामले को लेकर लगातार अब प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो मजदूर घायल हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवराज सिंह जुड़ गए हैं। शिवराज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और सीतापुर में मकान ढह जाने से, छत गिरने से तमाम मजदूर घायल हो गए हैं, कहाँ का ये सीतापुर का ये पूरा मामला है और किस तरीके से यहाँ पर मजदूर थे और ये दर्दनाक हादसा हुआ, विस्तार से थोड़ा बताएं। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सीतापुर का थाना खैराबाद इलाके के 12 भरी गांव का है, जहां पे निर्माणाधीन छत जो डाली जा रही थी उसी दौरान एक हादसा हुआ जहां पे पूरी छत भरभरा कर गिर गई और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। यहां पे 8 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवराज, इस दौरान अभी तक लगातार रेस्क्यू कार्य जारी बताया जा रहा है, तो और भी मजदूर के फंसे होने की आशंका है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2 मजदूर फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिनको रेफर कर दिया गया। शिवराज, यहाँ पर कोई काम चल रहा था क्या जिसकी वजह से मतलब ये जो मकान था ये सही ढंग से बनाया नहीं गया था या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से अचानक ही मकान का छत गिर जाता है और इस दौरान मजदूर घायल हो जाते हैं, तो क्या ये पक्की मकान थी? ये देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये निर्माणाधीन मकान पक्का मकान बन रहा था जहाँ पे छत डाली जा रही थी और जहाँ पे बात कही जाए कहीं पर लेबर और मिस्त्री को भी लापरवाही मानी जाएगी और जो वहाँ उसका मालिक है उसकी भी लापरवाही कही जाए, क्योंकि इस तरीके के जब इनका जो छत बनाई जाती है तो उसको पहले मजबूती देखी जाती है कि मजबूत है कि नहीं है और इस पे काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसको न देखे कर उन्होंने ऐसे रात में कार्य शुरू करवा दिया, उसी दौरान ये हादसा हो गया। शिवराज, इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कहती हुई नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं रखा गया है और प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शिवराज, और जिस तरीके से ये मकान गिर गया, एकाएक ये मकान भरभराकर गिर गया और साथ ही वहां जो और लोग फंसे थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही कितने की हालत गंभीर बताई जा रही है और क्या उनको दूसरे अस्पताल में भी रेफर किया जाएगा जो जिनकी हालत गंभीर है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो 8 लोग घायल थे जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और अन्य जो है वो यहीं सीतापुर जिला अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। चलिए शिवराज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीतापुर का ये पूरा मामला, जहां पर मकान की छत गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और साथ ही बता दें कि शटरिंग ढहने से मकान की छत गिर गई और इस दौरान 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू कार्य जो लगातार जारी है, 2 मजदूरों को निकाला गया है जिसमें से दोनों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पौड़ी मुख्यालय में स्थित विधायक कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विधायक ने मौजूद बता दें कि समर्थकों और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अबील गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। इस दौरान बता दें कि हरी मेमोरियल और होली के गीतों की
जंगल बंदी में कार्यकर्ता और साथ ही समर्थक जमकर झूमते नजर आए। और ये तस्वीर होली मिलन समारोह की, जहां पर देखिए किस तरीके से एक अद्भुत नजारा है, सब खुश नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर विधायक द्वारा जहां सभी, बता दें कि सभी को टीका और रंग लगाकर स्वागत किया गया, वहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी विधायक पौड़ी को, बता दें कि सौहार्दपूर्ण होली खेली है। और इस दौरान मौके पर विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया है कि दिन भर कई स्थानों से होली मिलन समारोह लौटकर उनके द्वारा अपने कार्यालय में यह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और यह तस्वीर जहां पर लोग होली मिलन समारोह खेलते हुए, होली मिलन समारोह का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। होली के शुभ अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का भी, और आज मैं लगातार 3 कार्यक्रमों में शिरकत किया हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस में हमने एक कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं केसुंदर ग्राम सभा के अंदर गया, वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से होली का कार्यक्रम मनाया गया और सब लोग वहाँ पर माताएं बहनें और सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली के त्यौहार में बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर होली का आनंद लिया गया। कुमाऊं क्षेत्र के IG नीलेश आनंद भरने ने आज कोतवाली पहुंचकर कोतवाली में आए जनप्रतिनिधि और लोगों को होली पर्व की शुभकामना दी और पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि होली और शबे बारात का पर्व एक साथ आ रहा है, जिसको लेकर इन पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि हुड़दंग मचाने वाले लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे ले जाया जाए। उन्होंने कहा है कि वे उधम सिंह नगर जिले में SSP रहे और उन्हें पूरे जिले का जानकारी ले रखी है। उन्होंने कहा है कि काशीपुर वास्तव में कौमी एकता का गुलदस्ता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देते नजर आते हैं। उन्हें विश्वास है कि नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी ये दोनों पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, इसके लिए यहाँ की जनता बधाई के पात्र होंगी। उन्होंने एक सवाल का जवाब में कहा है कि हेलमेट लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, लोग इसे बोझ समझकर ना पहने, जीवन की रक्षा समझकर पहने, हेलमेट को सुरक्षा की दृष्टि से अवश्य लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अगर हेलमेट लगाएंगे तो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और इसके साथ ही IG अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए और इस दौरान जाने के लिए प्रशासन ने राहत की सांस ली। काशीपुर एक यातायात का बहुत बड़ा सेंटर है, व्यापार का सेंटर है, यहाँ तमाम जो जगहों से जो है उत्तर प्रदेश और बहुत बड़ा यातायात का आवागमन लगा रहता है। और यहाँ पर जो है एक रेलवे का बहुत बड़ा स्थानक है, रोडवेज का स्थानक है, तो यहाँ यातायात एक बड़ी समस्या है। इसलिए यहाँ CPU लगाई गई है, कुछ उत्तराखंड के चुनिंदा जगहों में CPU लगी है, जिसमें से काशीपुर भी एक है। तो यातायात का यहाँ पालन कराना पुलिस का एक प्राथमिक है और मोटर व्हीकल एक्ट में जो है एक हेलमेट जो है बंधन कारक है, तो हेलमेट पहनना सभी को अनिवार्य है। जो भी मोटर व्हीकल एक्ट MV एक्ट के नियम है वो सभी को पालन कराने हैं। तो जो है अभी खासकर हम लोग होली पे विशेष जो है एक ट्रैफिक का अभियान चला रहे, जिससे शराब के ऊपर जो है आज से सख्ती से सभी का ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी। डबल सीट अगर कोई ट्रिपल राइडिंग करता है उस पर चालान होगा, बिना हेलमेट के अगर कोई जा रहा है उस पर चालान होगा। तो होली के लिए यातायात का एक प्लान अभी आज से लागू होगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर 6 मार्च को पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में मां गंगा वाटिका के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में SSP हरिद्वार रजत सिंह के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त राजपत्रिका अधिकारी और मीडिया के, बता दें कि मीडिया के कर्मियों को भी इनवाइट करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही SSP हरिद्वार अजय सिंह ने वाटिका में लगे पौधों का विषय की जानकारी ली और मां गंगा वाटिका का भ्रमण भी किया। SSP हरिद्वार अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मां गंगा वाटिका को ग्लोबल वार्मिंग को दृष्टिगत में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसको आज 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज मां गंगा वाटिका पूर्ण तरह से हरी भरी नजर आई। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण होगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सिर्फ पौधे लगाना ही सब कुछ नहीं है, उन्होंने पौधे को सींचना भी बड़ा काम होता है। पौधे लगाना हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, उन्हें सींचने की जिम्मेदारी भी निभा में हमें करनी होगी, तभी हमारी मेहनत सार्थक सिद्ध होगी।
गंगा वाटिका जो बनी है, इसके पीछे हमारे पूरे जो पुलिस विभाग में जितने जो प्रभारी हैं और हमारे जितने जो ऑफिस के जो शाखा प्रभारी हैं, उनके जो टीम है, इन सभी का बड़ा विशेष योगदान है। और हमारे जो कप्तान साहब हैं और इनसे पहले भी जो कप्तान साहब रहे हैं, तो उनका सबका हमारा जो बड़ा विशेष उनका जो इसमें मेरे को यहाँ पर सानिध्य मिला है और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर ये अच्छे ढंग से पौधे जो है फल फूल रहे हैं। इसमें शुरुआत यहाँ से हुई थी कि एक हमारा बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था यहाँ पर, एक 15-20 फुट ऊँचा करीबन, तो उसको एक हाथी ने जब तोड़ दिया था तो उसके पत्ते और छाल खा करके वो यहाँ से चले गया था। तो बहुत दिन तक तो पेड़ यहाँ पड़ा रहा था, बाद में टीम आई थी उसने छोटे टुकड़े करके उसके साइड में रख दिया था। दिनेशपुर में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पिछले 6 महीने से फरार चल रहे बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि दो शातिर बाइक चोर दिनेश राय, आकाश राय को मुखबीर के बता दें कि निशानदेही पर दो चोरों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि क्राइम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। FIR नंबर 55/2003 ये पंजीकृत की गई थी 379 IPC में चोरी के मुकदमे में। तो हमें मुखबिर की सूचना पे हमने दो अभियुक्तों को पकड़ा है, दिनेश राय पुत्र दीपक राय और आकाश राय पुत्र रवि, ये दोनों ही दिनेशपुर के रहने वाले रामबाग के। तो इनकी निशानदेही पर हमारे द्वारा दो बाइकें बरामद की गई है, जिसमें एक बाइक हमारे वहाँ FIR में दर्ज है। तो मुखबिर की सूचना पे हमने इससे गिरफ्तारी करी गई है। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा 18 बाइकें बरामद की गई थी, फिर उसके बाद 13 बाइकें बरामद की गई, फिर अभी ये दो बाइकें और बरामद की गई। कई मामलों में लिप्त अपराधी कर्नल सिंह और साथ ही राजेश सिंह दोनों के आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण जिला न्यायालय द्वारा दोनों अपराधियों को 30 दिनों के अंदर जेल में बंद कर दिया गया है। और साथ ही बता दें कि थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया है कि अगर ये 3 दिनों से पहले जिले में पाए गए तो इन्हें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही नगर महोदय के न्यायालय द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ कि कर्नल सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी कुला थाना दिनेशपुर जनपद उधम सिंह नगर व राज सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी दुर्गापुर नंबर 2 थाना दिनेशपुर को महोदय के आदेशानुसार 30 दिवस के लिए जिला बदर किया गया है। ये आदतन अपराधी है तथा अपराध करके समाज में भय व्याप्त कर रहे थे, तो इनको 30 दिन के लिए जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र शिवालिका, बता दें कि शिवालिक नगर में हथियार से बल पर लूट करने वाले दो अपराधियों को रानीपुर कोतवाली पुलिस ने CCR टावर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन, सोने की 2 अंगूठी पुलिस ने बरामद की है, साथ ही तमंचा और जिंदा कारतूस भी और बिना नंबर के बता दें कि बाइक भी बदमाशों के पास से बरामद कर ली गई है। हरिद्वार SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि 17 जनवरी को शिवालिक नगर क्षेत्र के एन क्लस्टर निवासी ब्रिजेश नारायण गोयल ने साथ ही दुकान में घुसकर दो बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ब्रिजेश से लूट करने के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम गठित की गई थी। क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे में बदमाश कैद हुए थे। आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वही SHO रानीपुर नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि आरोपी सनी सेनी निवासी गणेश कॉलोनी थाना सीता रोड चंदौसी उत्तर प्रदेश हाल पता बता दें कि हरिपुर कला रायवाला और साथ ही सनी कुमार निवासी जो है वो पंजाबी ढाबा सर्वानंद घाट को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर ब्रिजेश हैं, वो अपनी दुकान में बैठे हुए थे और शाम के करीब दो बदमाश आए और तमंचे की नोक पे उनको डराए भी और उनसे एक चेन उनके गले में थी वो और 2 अंगूठियां उनसे छीन के लेके गए। और ये के भरी बाजार में एक डेरिंग एफर्ट किया गया था इन बदमाशों के द्वारा, तो रानीपुर की टीम को हरिद्वार के थाना पथरी पुलिस ने क्षेत्र में जंगलों में हुई छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप समझ गया। यहां पर 25 लीटर अवैध शराब की भट्टी के साथ उपकरण भी बरामद किए गए हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही बता दें कि 3000 लीटर लाहन भी नष्ट किए गए हैं। दरअसल आगामी होली पर्व के दृष्टिगत पथरी
पुलिस ने एथल के जंगलों से शराब माफियाओं के ठिकाने में छापेमारी की और मौके पर 25 लीटर अवैध कच्ची शराब भट्टी और उपकरण के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मौके पर 3000 लीटर लाहन को नष्ट किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। देहात का जो क्षेत्र है हरिद्वार का, खासकर पथरी, लक्सर, खानपुर, वहाँ पर कच्ची शराब की शिकायतें हैं। तो इसमें पूर्व में भी आबकारी विभाग और पुलिस के द्वारा काफ़ी सारी कार्रवाई की गई थी और पूर्व में भी ऐसे एक दो प्रकरण हुए थे त्यौहार से पहले, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु ऐसी जहरीली शराब से हुई थी। इसको देखते हुए प्रेरित अभियान होली के अवसर पर भी और वैसे भी चलाया जा रहा है, जिसमें अभी पथरी क्षेत्र में भी 3000 लीटर लाहन और 25 लीटर शराब कच्ची पकड़ी गई। अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की प्रभावी कार्रवाई की गई है। चूँकि होली के त्यौहार पर जनरली लोग कहीं ना कहीं शराब का सेवन कर लेते हैं और कच्ची शराब का गाँव में देहात में सेवन करते हैं और इससे कहीं जान जाने का भी खतरा रहता है, जिस तरह की वो जहरीली चीज बनती है। साथ ही साथ ये गलत भी है कि कच्ची शराब जो है जिस तरह बनाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जा रही। तो अभियान के रूप में होली पर्व को देखते हुए समस्त देहात के थाना क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए बताया गया है। अब खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर चौकी के गांव बड़ियोवा से है, जहां पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पूरी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बड़ियोवाला गांव के खेत में शाकिब की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जब ग्रामीण खेत पर गए तो उन्होंने शाकिब का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने मृतक के घर वालों और साथ ही पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच में जुट गई है। वही बता दें कि इस दौरान क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदरा वर्मा ने बताया है कि जसपुर के बड़ियावाला गांव का पूरा मामला है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई थी और युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था, जिसकी शनाख्त शाकिब थी, जो कल शाम को मिस था और इस दौरान शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जसपुर में बड़ियोवाला का एक मामला है, जिसमें आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। शिनाख्त करने पर युवक की पहचान हुई है, ये साकिब पुत्र अनीस है और कल शाम से ये मिसिंग था और आज सुबह इसका खेतों में शव मिला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है, पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया है, उसने भी मौके से कुछ ज़रूरी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। संभवतः यह एक मर्डर का मामला है, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज नगर के पास ग्राम पंडरी में दर्जन भर झोपड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। यहां झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। आग में झुलसने से लगभग 5 से 6 वर्ष के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घोड़े भी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि शाम के लगभग 6 बजे अज्ञात कारणों से दर्जन भर झोपड़ियों में आग लग गई। उस समय झोपड़ियों में कोई भी बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था। आग के विकराल रूप होने के बाद से 5 से 6 वर्षीय बच्चे की भी झुलस कर मौके पर मौत हो गई। 2 घोड़े भी आग की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि इधर ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू तो पाया गया है, लेकिन सूचना पाकर राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और आग लगने की सूचना जिला अधिकारी उद्धम सिंह नगर को दी गई। कुछ परिवार रहते थे, 10-12 परिवारों को सुना है। वहाँ कोई भी घर पर नहीं था और आग इतनी तेज फैली कि जैसे सूचना मिली वहाँ प्रशासन भी पहुँचा, तहसीलदार साहब कागजात और फायर सर्विस वालों ने वहाँ जाकर के आग बुझाई, मगर तब तक एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष बताई जा रही है, वो बच्चा अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर होली और शबे बारात के पर्व को लेकर सही ढंग से मनाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर लोगों से बता दें कि SSP ने अपील की है और इस दौरान होली और शबे बारात पर्व के मद्देनजर जनपद हरिद्वार के SSP अजय सिंह के निर्देश पर सभी थाने के अति संवेदनशील इलाके में पर्व के दृष्टिगत बता दें कि उपलब्ध पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही
हुड़दंगियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात भी कही गई। साथ ही आमजनों से होली के पर्व और शबे बारात को सकुशल संपन्न कराने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपील की गई है। मैं चूंकि सौहार्द का पर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विभिन्न धर्मों के त्यौहार एक साथ होते हैं और कहीं कहीं जुलूस भी होते हैं और पर्व होते हैं, तो पुलिस विशेष सतर्कता देखती है। इसको देखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां संवेदनशीलता है वहां पर मीटिंग तो की जा रही है, फ्लैग मार्च भी के लिए भी बताया गया। साथ ही साथ चूँकि इस बार शबे बारात और छोटी होली और होली का पर्व साथ ही पड़ रहा है, तो चूंकि दोनों धर्मों के त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं इससे खुशियों से, तो कहीं कोई इसमें शरारती तत्व इसमें कहीं कोई गलत हरकत करके कोई फायदा ना उठाए, इसको देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति मंगलौर में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने भी सभी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली और सभी को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी है, बधाई दी है। और साथ ही इस अवसर पर सुशील बता दें कि राठी ने बताया है कि हमें होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के साथ मनाना चाहिए और होली खेलते हुए हमें अच्छे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आज लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना समिति और गन्ना परिषद के समस्त कर्मचारियों के साथ हमने फूलों की होली खेली और फिर बाद में सभी कर्मचारियों ने रंगों की होली भी खेली है। और ये पर्व जो है खुशियों का पर्व है और मैं इस पे यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी जो है अच्छे से होली खेलें और ख़राब रंग ना लगाएं, चाइनीज़ रंगों का इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे रंग का इस्तेमाल करें और आपसी सौहार्द बना के रखें। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बता दें कि शादाब शिम्स पिरान क्लियर पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने क्लियर में साबिर साहब की दरगाह में चल रही गोलको की गिनती के इंतजाम को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में वक्फ अपनी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देगा, ना ही किसी तरह की बता दें कि बदतमीजी को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि जहां पहले गोलको में 7 या 8 लाख रुपए निकाले थे, वहीं अब 16 से 17 लाख रुपए निकल रहे हैं, तो वही इससे बेहतर फर्क है और कब लगेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो ऐसे में सभी बेमानों के मुँह की खानी पड़ेगी और साथ ही ईमानदारी के साथ काम करना होगा। कोशिश जरूर करें कि ईमानदारी से अगर सिस्टम चल रहा है तो संख्या बढ़ रही है, ये और भी बढ़ेगी अगर ईमानदारी से काम चला। और हमें उम्मीद है कि अब ईमानदारी के सहारे सब लोग मिलकर चलेंगे, जो भ्रष्टाचारी है वो अपना रास्ता बदल देंगे, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के रास्ते पे न जाना है न उस तरफ जाने की सोचनी है, क्योंकि मैंने कहा कि ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है और वक्फ बोर्ड में इस वक्त बहुत अच्छा बोर्ड बना है और बहुत अच्छे सदस्य हैं जो चाहते हैं कि ईमानदारी से बोर्ड चले, पूरा सिस्टम वक्फ बोर्ड का बेहतर हो, तो हमें उम्मीद है कि जब अच्छे अधिकारी रहेंगे, अच्छे कर्मचारी रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।